हमारे साथ मौजूद हैं सरपंच एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नाम शोक चौधरी साहब। शोक साहब बताएंगे कि कोविड का मसला ज़िला पुंछ में काफ़ी बढ़ रहा है और ज़िला इंतजामिया की तरफ से काफ़ी अरेंजमेंट किए गए हैं, तो एक फ्रंट लाइन वर्कर बनाया जाता है हर जगह पे, तो आप क्या कहेंगे आपको जिला तहकीकाती कमीशन? देखो, मैं अपनी जितनी एसोसिएशन है मेरी डिस्ट्रिक्ट पुंछ की, पंच सरपंच एसोसिएशन, एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मेरी सबसे ये अपील और गुजारिश होगी और इंतजामिया की तरफ से भी मैं ये अपील करूंगा अपने सब दोस्तों को, सरपंचों को, पंचों को, कि आप फ्रंट लाइन वर्कर बनिए और आगे आइए। देखिए, ये वबा जो आ रही है इसमें हमें जिस तरीक़ा से सरकारी तौर से हदायत जो दी जा रही हैं हमें उन पर अमल पैरा होना है। और आपने देखा और सुना भी है कि थर्ड लेयर जो इसकी वेव है जो बड़ी सख्त आ रही है, तो हमें इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना होगा, तैयार करना होगा, हमें एहतियात बरतनी होगी, हमें तदबीर सोचनी होगी। अब जब हम तदबीर सोचेंगे करेंगे जब आने से पहले हमें कुछ ना कुछ करना होगा। और मैं अपनी पूरी एसोसिएशन से, पूरे सरपंच हजरात से, पंच हजरात से और जितने भी जी शहूर लोग हैं हमारे इस इलाका के, डिस्ट्रिक्ट पुंछ के, उनसे उन सब से मेरी ये अपील है कि आप सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें और जहाँ जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर किसी इलाके के अंदर, जैसे सनई के सरपंच ने मुझे सुनाया और बहुत सारी और जगहों से फ़ोन आए, तो जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे फौरन जो है वो मुतला कीजिए मेडिकल डिपार्टमेंट को और डीएम साहब को जो है वो मुतला कीजिए कि यहाँ पे हमें जो है वो फौरन जो है वो टीम भेजी जाए कि जो इन सब लोगों के जो है सैंपल ले और टेस्ट करे, ताकि जो बाकी लोग हैं वो बच सकें। तो जो मतलब जो लोग हैं जो अपने आप को बीमार महसूस करते हैं वो डरे नहीं, वो इससे कबल के लास्ट स्टेज पर चले जाएँ, उससे पहले ही हॉस्पिटल पहुँचें। दूसरी इसके साथ मेरी ये अपील होगी कि आप वैक्सीन करवाइए, वैक्सीन से मत डरिए। अब वैक्सीन जो है वो आ चुकी है और वैक्सीन करवाइए, हर हालत में करवाइए और हम इंशाल्लाह फ्रंट लाइन वर्कर की हैसियत से जो है वो आपके साथ रहेंगे और आपके साथ काम करेंगे। जो इंतजामिया काम कर रही है डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर डीएम साहब की सरबराही में, एसएसपी साहब की सरबराही में, मैं ये कहूँगा कि बहुत एक अच्छा शगुन है। मेरी आप सबसे अपील है, मेरी आप सबसे अपील है, आपने सबके विचार सुने हैं और हालात भी देख रहे हैं आए दिन क्या हो रहा है, मेरी सबसे अपील है कि आप एहतियात बरतें और जितने सरपंच हैं फ्रंट लाइन वर्कर की हैसियत से आप आगे आएँ, अपनी अपनी पंचायत को संभालें। जैसे लोअर सने के मेरे सरपंच ने जो है वो अपनी पंचायत को मुकम्मल तरीके से संभाला है। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप पूरा फोकस दें, तामीर और तरक्की बाद में होती रहेगी, सब कुछ होगा, जान बचे तो लाखों पाए। अब यह है कि जान बचने और बचाने के लिए सबसे बड़ी कोशिश जो है इस वक्त की जाए। मेरी आप सबसे अपील है, मोदबाना गुजारिश है, जिस तरह से पंचों से खसूसन अपनी वार्डों में काम करें, और मैं सब जी शहूर लोगों से ये कहूँगा कि यार प्लीज़ आइए और इंतजामिया का साथ दीजिए, इसमें मत हिचकिचाइए, ये बड़ा काम है। और सबसे बड़ा काम जो है वो यही है, अगर आप कहें कि भाई जहाद अफसल जो है, मैं इसी को कहूँगा कि यही है। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप सामने आइए, फ्रंट लाइन वर्कर बनिए, अपने अपने पंचायत, अपने अपने इलाका पे पूरी नज़र रखिए और पूरी तसल्ली से इंशाल्लाह काम कीजिए, इंतजामिया आपके साथ है। मैं इंतजामिया का नहायत ही शुक्रगुजार हूँ और मैं ये भी कहूँगा लॉकडाउन से हमें प्रॉब्लम होती है, लेकिन हमारे बचाव की खातर अगर लॉकडाउन आगे भी बढ़े तो कोई परेशानी नहीं है हमें, इंशाल्लाह हमें इंतजामिया का साथ देना है और मुकम्मल तरीके से साथ देना है। क्योंकि साहब यही बताएंगे कि जहाँ पुलिस भी हर जगह से काम करती है, यहाँ के एसएसपी साहब भी खुद जाके यहाँ पे विजिट करते हैं, मार्केट का भी, लोगों को भी अवेयर करते हैं, तो यहाँ के ज़िला कमिश्नर जो हमारे नए आए हुए हैं इंद्रजीत जी, उन टीमें बनाई हुई हैं, हर जगह जाते हैं, वो भी काम करते हैं, लोगों से भी आप यहाँ जो पुंछ की आवाम है, मैंडर, सनई, सुरनकोट, मंडी, शंडी, इन लोगों की आवाम से भी आप क्या कहेंगे? मेरा इनसे यही कहना है कि भाई जिस तरीक़ाकार से देखिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो मैं जो है वो सबसे बड़ी जो मैं ये कहूँगा अहदा है वो डीएम साहब का है, और ऊपर से आर्डर जो ऊपर से आती हैं डीएम साहब उन्हीं को इम्प्लीमेंट करते हैं, और हमें इम्प्लीमेंटेशन में पूरा सहयोग देना चाहिए अपने डीएम साहब का, एसएसपी साहब का और पुलिस का, जितने भी अदारे हैं सबका पूरा सहयोग देना चाहिए, सबको पूरा सहयोग देना चाहिए। मेरी ये पुरजोर अपील होगी आपने पंच सरपंच हजरात से, और इंशाल्लाह हम इसके लिए जो है कल से मुतारक जो है इंशाल्लाह हो जाएंगे। और मैं ये जो है आपके सोशल मीडिया के द्वारा ये सबसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि भाई खुल के आइए, अपनी जान भी बचाइए और लोगों की भी बचाइए। शुक्रिया।